हम आज वोदोद हिसार में हमारे साथ खास मेहमान पहली बार खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। अधिवक्ता हैं, बहुत ही सेंसियर और बहुत ही सुलझे हुए अधिवक्ता हैं और शैलजा के लीगल एडवाइजर पूरे प्रदेश के और काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं उनके साथ और पूरा काम धाम शैलजा जी का ये खुद देखते हैं बड़ी बारीकी से। शैलजा जी के साथ कब से जुड़ रहे हैं, क्या अच्छाई लगी उनके साथ और कितने सालों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं? अगर किसी नेता के साथ कोई एडवोकेट जुड़ता है तो कुछ तो आपने उनकी अच्छाई देखी होगी। एक ऐसी लीडर कुमारी शैलजा है, हिसार के लोग तो कहते हैं कि हिसार से चुनाव लड़े, सिरसा के लोग कहते हैं कि सिरसा से चुनाव लड़े, अम्बाड़ा के लोग कहते हैं अम्बाड़ा से लड़े और बाकी लोगों को ऐसा लग नहीं रहा कि भाई यहाँ से भी लड़ सकती है। तीन जगह से उनको लग रहा है भाई यहाँ से लड़ सकती है, तो तीनों जगह से इतना जबरदस्त फीडबैक आया। हाईकमान ने कहा है कि आप सिरसा से चुनाव लड़े और अब लगभग मैं तो ये कहूँगा कि लगभग क्या है वो फाइनली हो चुका है। सिर्फ जो कि औपचारिक रूप से एक लिस्ट आनी होती है, एक ऑफिशियली लिस्ट आनी, वो आनी बाकी है। अदरवाइज तो सिरसा से कुमारी शैलजा जी का चुनाव लड़ना फाइनल है। अब एडवोकेट है वो एक राजनेता है तो जुड़ने का, देखो ऐसे तो कोई एकदम अचानक किसी के साथ जुड़ता नहीं, तो कई ऐसी चीज़ें आपने अधिवक्ता होता है वो तो बहुत ही एक बुद्धिजीवी होता है और बहुत सोच समझ के हर कदम रखता है अपना फूक फूक के। मैं मेरा जीवन भी बचपन से ही एक सामाजिक पृष्ठभूमि से रहा, मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गया, सोशल जस्टिस की लड़ाई में यहाँ डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा हूँ समाज की, निशुल्क में बिना पैसे के मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कोई भी किसी न्याय पाने की लड़ाई मैंने फ्री में भी लड़ी है, समाज की लड़ाई। कोर्ट्स है ना, आजकल न्याय देने में थोड़ा सा है ना कानूनी अड़चने आती हैं कि भई ये कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं, सरकार ही उनको लागू कर सकती है, तो कोर्ट्स है ना ये कह के भी वो कह देती थी कि भई ये पॉलिसी मैटर है आप गवर्नमेंट के पास जाओ। कुमारी शैलजा जी ये सब चीज़ें मेरी देखती थी, भई ये कोर्ट्स में जाता है गरीबों के लिए, दलितों के, पिछड़ों के लिए, ये कोर्ट्स में जाता है। तो इस वजह से कुमारी शैलजा जी ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं आप पार्टी फोरम पर आके और ये लड़ाई लड़ो, क्योंकि पार्टियाँ ही गवर्नमेंट सरकारें ही इन चीज़ों को पूरा कर सकती है, सब चीज़ें कोर्ट से पूरा नहीं होती। क्या लग रहा है कितने मार्जिन से, क्योंकि सामने अशोक तंवर है और कहीं कहीं ओबीसी वोट बैंक में सेंध के लिए एक नया चेहरा भी आ चुके हैं रमेश खट्टक, वो तीन बार वो दो बार विधायक रह चुके हैं वो भी, तो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है, आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते? ऐसा देखो हम एक बात जानते हैं, जब किसी नेता की कोई चुनाव लड़ रहा है लीडर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब हर आदमी के मुंह से ये आना शुरू हो जाता है ना कि कुमारी शैलजा आएगी तो यहाँ बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, कुमारी शैलजा आएगी तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, इससे बड़ा क्या होगा? एक प्रधानमंत्री उसका जब भाषण सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री है या ये क्या है, ये कमाल की बात है कि मोदी की गारंटी, अरे बड़ी हमें मतलब बड़ा शर्म आती है हमें जब हम ये सोचते हैं कि मोदी की गारंटी, कहाँ गए वो 15 लाख, कहाँ गए वो नोटबंदी कहता कि सारा काला धन खत्म हो जाएगा, अरे 2000 का नोट आपने 1000 का खत्म करके 2000 का नोट बना, 2000 भी बंद कर दिया आपने, क्या ये देश की अर्थव्यवस्था कर दिया। मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, हम ये हो रहा है, ये सब मतलब है ना सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अरे बच्चे तो यहाँ झुकी झोपड़े के बच्चे तो यहाँ सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, उनको तो आप स्कूल में इनरोलमेंट नहीं करा सकते। ये बच्चे जब मुख्य धारा में आएंगे, जब ये एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तब कोई हम सोच सकते हैं कि भी हमारा देश भी विकासशील देश की श्रेणी में शामिल होने वाला है। कांग्रेस के ऐसे भी कैंडिडेट है जो जीत के लिए तरस रहे हैं और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फिलहाल अब कहीं हम मान सम्मान बच जाए हमारा, और आपकी शैलजा जो जी है जो ये तो कहीं भी आप थोड़ा सा देख लीजिए जहाँ खड़ी हूँ वहीं जीत जाएंगे चारों तरफ से, ये क्या बस समझ में नहीं आई। और ये क्यों है? क्योंकि लोगों का प्यार है बहन जी का, देखो स्वभाव देखो आप, बहन जी कभी किसी से आज तक इतिहास में मतलब कभी उन्होंने विवादित बयान नहीं दिया, कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगी वो, कभी वो है ना पार्टी के जो नीतियां हैं सिद्धांत हैं उनके खिलाफ कभी भी नहीं बोलेगी वो, और जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसको कभी भी नहीं टालती वो, कभी भी नहीं टालती। और कोई भी आदमी है ना दावे के साथ उनके लिए कह सकता है कि ये इनके रगों में है ना कांग्रेस का खून है। मैं तो ये कहूंगा मेरे भाइयों अगर इस बार चूक गए ना तो प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ कहने को तो प्रजातंत्र रहेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ।
हम आज मौजूद है हिसार में और मेरे साथ खास मेहमान पहली बार खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। बहुत ही चर्चित चेहरा हैं और बहुत ही चर्चित एडवोकेट अधिवक्ता हैं, लाल बहादुर सिंह, जो कांग्रेस के स्टेट लीगल सेल के एडवाइज़र हैं, चेयरमैन हैं कांग्रेस से, और शैलजा जी के साथ हमेशा अक्सर ये दिखाई भी देते हैं। और हम एडवोकेसी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े केस इन्होंने सॉर्ट आउट किए हैं हरियाणा प्रदेश के, बहुत चर्चित जो कांड हुए हैं उनको कहीं कहीं सॉर्ट आउट किया है उन मुद्दों को बिल्कुल निर्भीक निडर होके। तो आप भली भांति इनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, खुद चर्चित चेहरा हैं। आज हम कई विषय पर इनसे बातचीत करेंगे और वो बातचीत आपके सामने रखेंगे, क्योंकि चर्चित चेहरा हैं, एडवोकेट हैं, बड़े बड़े केस इन्होंने सुलझाए हैं, तो क्या कभी इनको डर नहीं लगा उन केसों को सुलझाते समय? शैलजा जी के साथ काफ़ी समय से हैं और कहीं ना कहीं टिकट फाइनल हो चुकी है लगभग लगभग, और शैलजा जी अब फाइट करने वाली हैं, सिरसा से कहीं ना कहीं लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो उनका पूरा जो चुनाव का प्रचार और लीगल सेल का सभी लाल बहादुर सिंह जी देख रहे हैं, हमारे साथ अधिवक्ता है जी। आपका बहुत बहुत लाल बहादुर सिंह जी, कैसे हैं? आपका हमारे न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुन्ना लांबा जी, आपका स्वागत है, आप बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हो। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम आपको, शैलजा जी के साथ कब से जुड़ रहे हैं, जो उनकी नीतियों क्या अच्छाई लगी उनके साथ, और कितने सालों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं? अगर किसी नेता के साथ कोई एडवोकेट जुड़ता है तो कुछ तो आपने उनकी अच्छाई देखी होंगी, और आप तो भली भांति कई सामाजिक संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, खुद आप गुरुकुल चला रहे हैं, इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनके साथ संस्थाओं के साथ मिलके उनको पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, और भी कई बहुत ऐसे संस्थाएं जिनके साथ आप बढ़ चढ़ के काम करें, लेकिन सामाजिक सेवा और राजनीतिक दोनों अलग अलग ट्रैक है, और वकील भी थोड़ा सा अलग ही ट्रैक होता है, क्योंकि इतना समय मिल नहीं पाता, फिर भी आप इतना समय निकाल लेते हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। और सभी अधिवक्ता देख रहे हैं, शायद ये समाज के लिए वो कुछ कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं, कर नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत कम अधिवक्ता हैं जो समय निकाल पाते हैं थोड़ा सा समाज के लिए, आपकी तरह वो भी समय निकालें। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले शैलजा को लेकर बातचीत करेंगे, लगभग टिकट उनकी कन्फर्म है, अभी चुनाव लड़ेंगे वो यहाँ से, और पूरा कारोबार आप देख रहे हैं चुनाव का, सही प्रचार का, और जो एडवोकेट हैं उनका, लीगल एडवाइज़र भी हैं आप उनके, तो क्यों, क्या अच्छाई लगी? ऐसा देखो, सबसे पहले तो बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में, जैसे आपने कहा कि हमने पूरे एरिया का फीडबैक बहन जी को दिया है, कि बहन जी को सिरसा के लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से, सामाजिक तरह सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सबकी तरफ से ये फीडबैक आया कि कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ें। इसी तरह अम्बाला से भी आया और हिसार से भी आया। मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी लीडर कुमारी शैलजा है, हिसार के लोग तो कहते हैं कि हिसार से चुनाव लड़ें, सिरसा के लोग कहते हैं कि सिरसा से चुनाव लड़ें, अम्बाड़ा के लोग कहते हैं अम्बाड़ा से लड़े, और बाकी लोगों को ऐसा लग नहीं रहा कि भाई यहाँ से भी लड़ सकती है, तीन जगह से उनको लग रहा है भाई यहाँ से लड़ सकती है। तो तीनों जगह से इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया है, वो फीडबैक हमने बहन जी को दिया है, और इसीलिए बहन जी ने भी हाईकमान ने कहा है कि आप सिरसा से चुनाव लड़ें, और अब लगभग मैं तो ये कहूँगा कि लगभग क्या है, वो फाइनली हो चुका है, सिर्फ जो कि औपचारिक रूप से एक लिस्ट आनी होती है, एक ऑफिशियली लिस्ट आनी, वो आनी बाकी है, अदरवाइज तो सिरसा से कुमारी शैलजा जी का चुनाव लड़ना फाइनल है, और हम फील्ड में लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। बात रही कि मैं कुमारी शैलजा से कैसे जुड़ा, आपने ये क्वेश्चन किया था, ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि वैसे तो देखो ये कुमारी शैलजा और मैं एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, प्रभुवाड़ा गांव से, लेकिन देखो जुड़ने की बात, यस यस, कई अब एडवोकेट हैं, वो एक राजनेता है, तो जुड़ने का देखो, ऐसे तो कोई एकदम अचानक किसी के साथ जुड़ता नहीं, तो कई ऐसी चीज़ें आपने, अधिवक्ता होता है वो तो बहुत ही एक बुद्धिजीवी होता है और बहुत सोच समझ के हर कदम रखता है अपना, फूक फूक के, तो आपने अगर इतना बड़ा कदम रखा है तो कुछ तो उनमें अच्छाई रही होंगी, और कौन सी बुराई रही है, क्योंकि राजनीति का अलग अलग ट्रैक होता है। मैं यही बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली क्या है, पॉलिटिकली मैं बहन जी के साथ नहीं था, लेकिन मैं बहन जी के मंचों पे जाता था, पर
मैं सोशल जस्टिस की लड़ाई पे जाते नहीं, मंचों पे जाते क्यों थे आप? हाँ, मैं वही, किसने कहा आपको मंचों पे? सर मैं वही बता रहा हूँ कि कुमारी सैलजा जी हैं, वो एक, वो भी एक सोशल जस्टिस की लड़ाई में, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, किसानों की लड़ाई, और जो आम, जो गरीब इंसान है उसकी तड़प उनके अंदर हमेशा से रही है, उनके पिताजी में भी रही। चौधरी दलबीर सिंह भी हमेशा ऐसे ही लोगों की एक लड़ाई लड़ते थे, ऐसे ही ये करते थे। लेकिन मैं, मेरा जीवन भी बचपन से ही एक सामाजिक पृष्ठभूमि से रहा, मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गया, सोशल जस्टिस की लड़ाई में यहाँ डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता रहा हूँ, समाज की निःशुल्क में बिना पैसे के मैंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कोई भी किसी न्याय पाने की लड़ाई मैंने फ्री में भी लड़ी हैं, समाज की लड़ाई, मुकदमे लड़ना एक अलग बात है लेकिन सामाजिक लड़ाइयाँ भी मैंने लड़ी है। लेकिन वो मेरी लड़ाई कुमारी सैलजा जी हमेशा देखती थी, भाई ये कोर्ट्स में जाता है, पर इसको कोर्ट्स है ना, आजकल न्याय देने में थोड़ा सा है ना कानूनी अड़चनें आती हैं कि भाई ये कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं, सरकारी उनको लागू कर सकती है, तो कोर्ट्स है ना ये कह के भी वो कह देती थी कि भाई ये पॉलिसी मैटर है, आप गवर्नमेंट के पास जाओ। कुमारी सैलजा जी ये सब चीज़ें मेरी देखती थी, भाई ये कोर्ट्स में जाता है गरीबों के लिए, दलितों के, पिछड़ों के लिए, ये कोर्ट्स में जाता है। तो इस वजह से कुमारी सैलजा जी ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं आप पार्टी फोरम पर आके और ये लड़ाई लड़ो, क्योंकि पार्टियाँ ही, गवर्नमेंट, सरकारें ही इन चीज़ों को पूरा कर सकती है, सब चीज़ें कोर्ट से पूरा नहीं होती। तब मेरे को जोड़ा और मेरे को इतना बड़ा, मैं कहता हूँ, दायित्व दिया कि लीगल डिपार्टमेंट का मेरे जोड़ा। कब जोड़ा? कब आपके साथ, कितने साल पहले? ऐसा मैं करीब 7-8 साल से तो एक्टिवली, मतलब बहन जी के साथ हूँ एक्टिवली, और करीब 4 साल पहले मेरे को है ना बहन जी ने एक तरह से, मतलब है ना, इस तरह से जोड़ दिया कि भाई आप मेरे को पद से वो कर दिया कि मुझे स्टेट का इतना बड़ा पद, जो कि लोग 40-50 साल तक मतलब वो करते हैं, तब भी वो पद नहीं मिलते, स्टेट का लीगल डिपार्टमेंट का, वो भी मुझे हेड बनाया। और उसके अलावा मेरे को 2019 में मैनिफेस्टो कमेटी में उन्होंने ले लिया कि भाई आप जिन लोगों की लड़ाई कोर्ट्स में लड़ते हो आप उनकी आप मैनिफेस्टो में डालो, और अब भी मैं मैनिफेस्टो कमेटी में हूँ। और बहन जी ने स्पेशल मुझे कहा है कि आप है ना उन लोगों की लड़ाइयाँ जो लड़ रहे हो ना वो सारी डिमांड आप रखें, और मैंने जो डिमांड दी, जो लिखे मैंने दी बहन जी ने, वो बाकायदा पी चिदम्बरम जी जो हमारे जो पूरे देश के हेड हैं इसके लिए, इसके मैनिफेस्टो कमेटी के, उनको बाकायदा बात करके मेरी वो सारी डिमांड उनको भेजी और वो सारी की सारी मैनिफेस्टो में लागू हुई, डाली गई वो मेरी डिमांड्स। तो ये मेरा कहने का मतलब, जो लीडर सामाजिक सोच के जो लीडर होते हैं वो सामाजिक सोच के लोगों को ही शामिल कराने का प्रयत्न करते हैं, अन्यथा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भी हमें वो लोग चाहिए जो सिर्फ है ना हमारी जी हजूरी करें। लेकिन कुमारी सैलजा एक ऐसे लीडर हैं, वो ऐसे लीडर्स को, ऐसे नेताओं को, ऐसे सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं कि जो है ना समाज की, पार्टी में आकर के समाज की लड़ाई लड़े। ये मेरा मेरी एक रही है। मैं तो खुद, बल्कि मुझे जब बहन जी कहने लगी बहन जी ये पद किसी और को दे दो, तो बहन जी ने मुझे कहा कि क्या कह रहे हो आप, बना फिरता है सामाजिक सोशल जस्टिस का, सोशल जस्टिस तो पार्टी में आके ही, आप सरकार में आके ही और सत्ता में आके ही आप उनकी मांग पूरी कर पाओगे, और मुझे इतना बड़ा पद दिया बहन जी ने, ये बड़ी कमाल की बात है। टिकट तो लगभग कंफर्म है, वो चुनाव लड़ने वाली हैं, आपने फीडबैक जनता का लिया है, पूरे लगभग हम भी घूमे हैं, क्या लग रहा है कितने मार्जिन से, क्योंकि सामने अशोक तंवर है और कहीं कहीं ओबीसी वोट बैंक में सेंध के लिए एक नया चेहरा भी आ चुके हैं, रमेश खट्टक, वो 3 बार 2 बार विधायक रह चुके हैं वो भी, और किसी ज़माने वो शायद यहाँ सिरसा से पहले एक बार विधायक भी रहे हैं वो, तो वो भी कहीं ना कहीं फाइट में हैं जेजेपी पार्टी से। तो क्या लग रहा है कहीं कि कुछ सैलजा का ग्राफ वो आने से कुछ कम होगा, और अशोक तंवर के मुकाबले में क्या लग रहा है सैलजा कहाँ फिट बैठती, क्योंकि फिलहाल सत्ताधारी पार्टी है, तो सत्ताधारी पार्टी के कुछ न कुछ तो देखो प्रभाव रहता है जनता पे भी, शासन प्रशासन पे भी, तो काफ़ी, तो इसमें इससे जो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते? ऐसा है, देखो हम एक बात जानते हैं, जब किसी नेता की कोई चुनाव लड़ रहा है लीडर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जब हर आदमी के मुंह से ये आना शुरू हो जाता है ना कि कुमारी सैलजा आएगी तो यहाँ बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, कुमारी सैलजा आएगी तो बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी, जब एक ये इस तरह अपने आप एक ऐड होनी शुरू हो जाती है, जो आदमी कभी बहन कुमारी सैलजा जी से मिला नहीं, उसका उससे कोई संपर्क नहीं, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से है नहीं,
वो लोग भी ये बोल रहे हैं, हमें टेलीफोन कर करके बोल रहे हैं कि बहन कुमारी शैलजा जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेगी तो 100% बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी, और इतने मार्जिन से जीतेगी आज तक कोई लीडर सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज तक कोई इतनी लीड नहीं बना पाया। और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पूरे हरियाणा में इससे बड़ी लीड कोई लीडर नहीं ले पाएगा, इतनी बड़ी लीड वहाँ सिरसा से कुमारी शैलजा लेगी। अगर सच मायने में पूछो, सच्चाई अगर पूछो, तो यहाँ बीजेपी के लोगों के, जेजेपी के लोगों के, इनेलो के लोगों के, संघ से जुड़े हुए लोग वो भी यूँ कह रहे हैं कि हमारा यहाँ जो कैंडिडेट है ये अशोक तंवर है, हम इसको लाइक नहीं करते, कुमारी शैलजा अगर यहाँ आएगी तो हम उसका सपोर्ट और वोट हम उनको देंगे और वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ये कमाल की बात है इस लीडर के लिए। तो कहीं हलचल पैदा हो गई है सिरसा की राजनीति में, कहीं ना कहीं अभी जबरदस्त हलचल पैदा हो गई है। मैं कहता हूँ मेरे टेलीफोन बंद नहीं हो रहे, सच कह रहा हूँ मैं, कि जब लोगों को पता लगता है भी बहन जी के भी बड़े अच्छे उसमें गुड बुक्स में है, तो लोग नेचुरल है बहन जी का जो गुड बुक्स है उनको सबको टेलीफोन करते हैं लोग बेचारे, वो इधर उधर से देखते हैं भाई, सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो देखता है तो उनको पता भी, उसको हम ये अप्रोच करें। अभी मेरे पास बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी वहाँ का असिस्ट सिरसा का, अभी मेरे पास आधा घंटा पहले उसका टेलीफोन आया, मलेठिया जी हैं, वो कह रहे हैं जी मैं पार्टी छोड़ के और मैं बहन जी का सपोर्ट करूँगा। मतलब कभी बहन जी से मिला नहीं वो आदमी, और हमने कोई अप्रोच नहीं किया उसको, हमने कहा नहीं, मैंने उसको कहा नहीं कि भाई आप हमारा सपोर्ट करो, खुद टेलीफोन कर करके वो समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक मतलब कभी कभी होता है, ये लहर है, मैं तो ये कहूँगा लहर है, सच पूछो तो कांग्रेस की लहर है, ये राहुल गांधी जी का भी कृष्णा है। कांग्रेस की लहर है या फिर जनता दुखी है? नहीं, जो नेचुरल है, जनता जब जनता दुखी होती है ना तभी लहर बनती है, ये सच्चाई है, ये ठीक है। देखो आप बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, आपने सही इसका एक वर्ड दिया कि जनता दुखी है। क्या मतलब इससे बड़ा क्या होगा, एक प्रधानमंत्री उसका जब भाषण सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री है या ये क्या है, ये प्रधानमंत्री की भाषा कभी ऐसी हो सकती है क्या, ऐसे लच्छेदार बातें। अब देखो कमाल की बात है कि मोदी की गारंटी, अरे बड़ी हमें मतलब बड़ा हमें बड़ा शर्म आती है हमें जब हम ये सोचते हैं कि मोदी की गारंटी, कहाँ गए वो 15 लाख, कहाँ गए वो नोटबंदी, कहते हैं कि सारा काला धन खत्म हो जाएगा। अरे 2000 का नोट आपने 1000 का खत्म करके 2000 का नोट बनाया, 2000 भी बंद कर दिया आपने, क्या ये देश की अर्थव्यवस्था कर दिया, कोरोना काल में क्या हाल किया इस देश में हो, मतलब अरे प्रधानमंत्री यूँ कह रहे हैं आप है ना दीपक जलाओ, आप है ना मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, ये तो देश में अभी बीजेपी की सरकार है, जब ये सरकार जाएगी ना आप लोग देखेंगे, इस दुनिया में देखेगा कि भी कैसा प्रधानमंत्री था और कैसे ये मतलब वो कर रहा है, हमारी विदेशों में कितनी हमारी खिल्ली उड़ी थी उस टाइम, एक देश का प्रधानमंत्री प्रजातंत्र में साइंस का जमाना है वो यूँ कह रहा है कि कोरोना के टाइम में बलद आप दीपक जलाओ, ताली और थाली बजाओ, ऐसा प्रधानमंत्री। बात जानना चाहूँगा आपसे, बड़े चर्चित चर्चित केस लड़े हैं आपने जी, कुछ बताना चाहेंगे, बहुत चर्चित केस रहे हैं आपके पूरे इंडिया में, वो चर्चा के विषय। अच्छा देखो, ये तो ईश्वर का ही मतलब कोई करिश्मा है कि मैं पॉलिटिकली मतलब एक वो होने के बावजूद है ना, मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि होने के बाद मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे बड़े दुखी होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जो बेचारे, क्योंकि देखो न्याय है ना इतना सस्ता नहीं है, न्याय बहुत महंगा, आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अच्छा वकील करके और वो लड़ाई लड़ सके, अच्छा वकील करके भाई जिससे मतलब वो यूँ समझे कि ये मेरे को न्याय दिलवा देगा। मैं फ्री मुकदमे लड़ता हूँ, जो मान लो अगर ऐसा पीड़ित ऐसा आदमी आ जाए, लेकिन इसके अलावा भी ईश्वर की कृपा, तो मैं क्या कहूँ कि ये एक बद मेरा भी मेरी बद किसी, मुझे ऐसे ऐसे केस लड़ने पड़े जिसमें जैसे रेलू राम कांड जैसा मतलब इतने मर्डर बड़ा चर्चित केस रहा है वो, उसमें वो मतलब है ना एक दामाद और लड़की ने उसकी ने उसे मर्डर किए, तो वो केस मुझे करने का मौका मिला, उसमें डेथ सेंटेंस हुई, वो बड़ा ही एक जघन्य हत्याकांड था, छोटे छोटे बच्चे, जो कि एक बच्चा तो उसमें 1.5 महीने का बच्चा था, उसकी भी उन्होंने मतलब उसका मर्डर कर दिया था, बड़ा क्रिशल मर्डर था। इसी तरह एक मनोज बबली ओनर किलिंग था, डाबड़ा गैंगरेप था। देखो केसों का मामला अलग है, मेरे को तो स्वामी रामदेव भी एक केस में वकील करके गए हैं, मेट्रो एक अलग बात है कि वकालत एक अलग चीज़ है, तो कोई भी किसी पार्टी का भी करे उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। कभी डर नहीं लगा, इतने बड़े बड़े केस आप करते हैं तो कभी दिल में विचलित होना, भाई देखो वकील के पास कोई गाड़ी कमांडो आगे पीछे बहुत होती नहीं है, वो तो एक वकील है और वकील अपने मुवक्किल के लिए तो हमेशा खड़ा रहता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आत्महत्या करने जो आदमी चला जाने लगता है तो उसको एक बात ज़रूर याद आती है लास्ट मोमेंट में, हमारा एडवोकेट है, हमारा अधिवक्ता है, वो हमें बचा लेगा। तो आपके पास आते हैं लोग,
तो फिर भी कहीं ना कहीं देखो डर तो बना ही रहता है, आपके बच्चे वगैरह सब, तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई हम क्यों लफड़े में इतना बड़ा बड़ा टंग अड़ाएं क्यों? देखो ऐसा है, ये बात आपकी ठीक है, मुझे धमकियाँ भी मिली हुई है पर मैंने कभी परवाह नहीं की। इवन यहाँ पे पहले SP होते थे, उन्होंने कहा मैं आपको प्रोटेक्शन दे देता हूँ भाई, आपको है ना आप सिक्योरिटी रखो साथ में। मैंने मना कर दिया, नो क्या सिक्योरिटी क्या करेगी, मैं क्या क्या बचा सकती है? प्रधानमंत्री जैसे चेयरों को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को किसी ने नहीं छोड़ा, तो मैं मेरी गाद। लेकिन मेरा कोई मुझे कोई खुशी नहीं होती है, मैं जब किसी की सजा कराता हूँ, किसी की डेथ सेंटेंस होती है मेरे द्वारा वकालत करने पे, किसी की पीड़ित की मैं अगर मदद करने के लिए करता हूँ, तो मुझे कोई खुशी नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर होता है कि भाई एक मतलब अपराधी ने एक अपराध किया है और वो पीड़ित है बेचारे, उनको भी मतलब उनको संतोष मिलता है, भाई न्याय मिलना चाहिए कि कोई सजा कराने से कोई मुझे कोई आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है मुझे। पर ये जरूर होता है कि भाई एक इसने अपराध किया है लेकिन इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए सजा, इसने अपराध किया है। तो संस्थाओं के साथ कौन कौन सी अभी जुड़ रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं? गुरुकुल तो आपने बताया, गुरुकुल के साथ गुरुकुल के में आप फाउंडर बना रखे हैं क्या? ऐसा यहाँ गुरुकुल चलाते हैं, 1964 की वो संस्था है बनी हुई है आर्य समाज की, हम वहाँ बच्चे हमारे वहाँ बच्चे पढ़ते वहीं रहते, गरीब बच्चे, उनसे हम कोई फीस नहीं लेते, करीब 150 के करीब बच्चे हमारे पास यहाँ हैं, तो वहाँ गुरुकुल हम ये चलाते, मैं उस गुरुकुल का मंत्री हूँ। और उस संस्था में बड़े अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, ये नहीं कि मतलब बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, MP लेवल के हैं, मतलब IAS लेवल के हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े अच्छे उस संस्था है वो, उसको चलाते हैं। यहाँ भीख नहीं किताब दो है संस्था, एक हमारी अनुचीनीय है, वो यहाँ गरीब बच्चों जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे जो है ना भीख मांगते, तो हमने उस बच्ची ने 820 बच्चों का एनरोलमेंट स्कूलों में कराया है। तो वहाँ मैंने बल्कि ना हॉस्टल नहीं था उनके पास बच्चों को रहने के लिए, तो मैंने यहाँ आसपास में सरपंचों से बात की, तो एक सरपंच हमारे यहाँ इधर तलवंडी राणा गांव के अंदर ना ओम प्रकाश कोहली उनकी वाइफ थी, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, तो हमने हॉस्टल अब बन गया, लगभग हॉस्टल आधा नीचे का बन गया ऊपर का बन रहा है, तो हम बच्चे रह रहे हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पर भी हमारी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन है, उसमें चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस VS वर्या जी हैं, जस्टिस वीरेंद्र यादव जी हैं उसके राष्ट्रीय चेयरमैन और संयोजक है, मैं उनका मतलब जिस संस्था के मतलब चीफ जस्टिस से जिसके चेयरमैन है, मैं उनका राष्ट्रीय लेवल का लीगल एडवाइज़र भी हूं मैं उनका। इस तरह की दर्जनों संस्थाएं हैं कि जो शिक्षा से संबंधित बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनसे भी मेरा लगाव रहता है, हम चलाते हैं ताकि गरीब बच्चों का उद्धार हो, गरीब बच्चे पढ़ें। क्योंकि देखो हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, हम ये हो रहा है, ये सब मतलब है ना सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अरे बच्चे तो यहाँ झुग्गी झोपड़े के बच्चे तो यहाँ सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, उनको तो आप स्कूल में इनरोलमेंट नहीं करा सकते। ये बच्चे जब मुख्य धारा में आएंगे, जब ये एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तब कोई हम सोच सकते हैं कि भाई हमारा देश भी विकासशील देश की श्रेणी में शामिल होने वाला है। अब ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये बातें हैं और कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है सर। धन्यवाद सिंह जी। चुनाव का समय है, 1.5 महीने से कुछ समय ज़्यादा बचा है, शैलजा जी कल शायद ही फील्ड में आ जाएंगी, परसों में आ जाएंगी, क्या तैयारियाँ की चुनाव को लेके, फतेहाबाद को लेके, अपने सिरसा को लेके, इलाहाबाद को लेके, लंबा चौड़ा क्षेत्र है टोहाना वगैरह सारा इसमें आपका लंबा चौड़ा है, तो क्या तैयारियाँ की, किस रूपरेखा के साथ शैलजा जी के साथ आप फील्ड में उतर रहे हो और आपके सामने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आप ये सोचते हो ये तो बहुत ही दुबला पतला है, क्या करेगा हमारा, तो वो बहुत कुछ कर जाते हैं, तो और कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं भी? और कॉन्फिडेंस है, आराम से सोइए, हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, जीत जाएंगे बड़े आराम से, तो कभी और कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। चुनाव है और चुनाव में उठा पटक चलती रहती है और समीकरण बदलते रहते हैं, तो क्या बिल्कुल बड़े सुलझे हो लांबा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कल की बता रहा हूँ, कल कुमारी शैलजा जी ने कल मीटिंग ली हुई थी, कुछ हमारे यूथ जो है ना स्टेट लेवल के सेक्रेटरी स्टेट लेवल के जो गए हुए थे, तो उनको एक ने किसी ने खड़े होके, उसमें मेरा बेटा भी गया हुआ था, मेरा बेटा भी यूथ का जो है ना स्टेट सेक्रेटरी है, तब वो मुझे बता रहा था कि बहन जी को किसी एक ने खड़े होके बोल दिया, बहन जी आप 5 लाख से जीतोगे, तो बहन जी ने पटक दे सी एकदम से कहा आप कहने से बात नहीं बनती, आप फील्ड में जाके काम करिए, फील्ड में काम करोगे तो ये बात होगी, ऐसे नहीं कहने से नहीं होता, आप फील्ड में काम करना है, पब्लिक में जाना है,
लोगों से संपर्क करना है, लोगों को बताना है, उनकी समस्याएं सुननी है, मोदी ने और जो बीजेपी ने जो जिस तरह का हाल देश का किया उसके बारे में बताना है लोगों के पास जाके, तब आप ये बात करिए। लेकिन बहन जी तो बड़ी सुलझी हुई लीडर है, वो कभी भी इस बात में नहीं आती कि भी कभी मतलब यूँ सोच के एकदम से फील्ड में काम करेंगे हम, और फील्ड में काम बिल्कुल एकदम से बहन जी ने बाकायदा ये एक हिदायत ही मानेंगे हम कि भाई आप लोगों ने जाकर के है ना हम हर जन जन से है ना जाके आपने संपर्क करना है। और बाकी बात रही तैयारियों की, कि मैं तो इतना जानता हूँ कि लोग मतलब है ना मुझे मेरे पास बहादुरगढ़ से, रोहतक से, इधर अपने हांसी से लोगों को इतने टेलीफोन आ रहे हैं, वो कहते हैं जी बैल जी को आप हमें बता देना दिल्ली से कब, जब टिकट फाइनल हो गए और अनाउंस हो गए जब बैल जी निकलेंगे, हमने रास्ते में बोला हम तो वही वही के लोग, वहाँ के लोग कह रहे हैं भाई हमने यहाँ आके कर लिया, कहीं बैल जी वहाँ गाड़ी में बैठे और सीधे निकल जाए, मतलब इतने तक लोग वो मतलब वहाँ तैयारी कर रहे हैं, ये कमाल की बात। चुनाव तो सिरसा से लड़ेंगे और वह बहादुरगढ़ के लोगों से क्या मतलब, दूसरा छोर है और ये दूसरा छोर है, लेकिन टेलीफोन आ रहे कहते ली हमें ऐसा ना हो कि बैजी के सीधे निकल जाए, हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना। बड़े नज़दीक हैं, पूरा हरियाणा देख रहे हैं, उनके लीगल एडवाइज़र हैं, सारे छोटे बड़े केस आप देखते हैं, एक बार समझ भी नहीं आई। आप कहते कि हिसार से जनता कह रही है आज ये कन्फर्म जीत है, सिरसा की जनता कहती है आप यहाँ से आ जाइए यहाँ से कन्फर्म जीत है, और भी एक दो जगह बताई आपने, तो ये प्यार प्रेम कैसे मतलब कहीं चले जाइए आपकी जीत है। नहीं तो कांग्रेस के ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो जीत के लिए तरस रहे हैं और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल, अब कहीं हम मान सम्मान बच जाए हमारा, और आपकी शैलजा जो जी हैं जो ये तो कहीं भी आप थोड़ा सा देख लीजिए जहाँ खड़ी है वहीं जीत जाएंगे चारों तरफ से, ये क्या बस समझ में नहीं आया, इतना प्यार प्रेम जनता का कैसे मिल पा रहा है, और वो भी एक अपने घरे क्षेत्र से नहीं पूरे हरियाणा से जहाँ। मैं रियल में मैं खुद हैरान हूँ इस बात से, कल रात को मेरे पास हमारा यहाँ का हिसार का लोकसभा प्रभारी बनाया हुआ है, दीपेंद्र को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है जी, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ आपको, सच बताऊँ कल हमारे यहाँ का लोकसभा प्रभारी है गुजरात से है वो, तो कांतिलाल का मेरे पास टेलीफोन आया कल, और वो मुझे कहते हैं कि हमने तो बहन जी का नाम यहाँ मुझे नहीं पता था आज तक अभी इस बात का, कहते कि वो लोकसभा प्रभारी है वो, कहते हमने तो कुमारी शैलजा जी का नाम हिसार से भी रिकमेंड करके भेजा है, बेगर कुमारी शैलजा हिसार से चुनाव लड़े तो इससे बढ़िया कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता, और इसको आप हिसार से चुनाव लड़ा जाए कि देखो, जबकि बहन जी हमेशा रिजर्व कैटेगरी में होने के नाते रिजर्व पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ती रही है, और ये जनरल के लिए है मतलब ओपन, ये है ओपन में भी लोग डिमांड ये कर रहे हैं कि आप यहां से लड़ाइए, तो ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है ये। और ये क्यों है, क्योंकि लोगों का प्यार है बहन जी का, देखो स्वभाव देखो आप, बहन जी कभी किसी से आज तक इतिहास में मतलब कभी उन्हें विवादित बयान नहीं दिया, कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगी वो, कभी वो है ना पार्टी के जो नीतियां हैं सिद्धांत हैं उनके खिलाफ कभी भी नहीं बोलेगी वो, और जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसको कभी भी नहीं टालती वो, कभी भी नहीं टालती वो, ये उनकी खासियत रही है। और कोई भी आदमी है ना दावे के साथ उनके लिए ये कह सकता है कि ये इनके रगों में है ना कांग्रेस का खून है, ये पार्टी को छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोल जाती है, थोड़े से शब्दों में और इतना बड़ा बोल जाती है वो। हाँ तो ये सुलझे में लीडर का अपना, कई आपके जो नेता है कांग्रेस के बोलते बहुत ज़्यादा है नाम तो ये तो देखो उनकी खूबी है कि वो ऐसा विवादित बयान नहीं देती, बातों में है ना वो ऐसे समझा जाती है भी आप कांग्रेस के लिए ऐसे ना करें ऐसे करें पार्टी के लिए करें, वो कभी पार्टी से बड़ा कभी भी नहीं अपने आप को समझे। ऐसे उनके पिताजी थे चौधरी दलबीर सिंह जी, वो भी ऐसे थे सिद्धांतवादी। बहादुर सिंह अब चलते चलते हरियाणा की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं देखो मैं जनता को ये कहना चाहूँगा, ये बदलाव का समय, ये हमारा उत्सव है, 10 साल के बाद 10 साल से हमें ना इतना मतलब हालात मतलब देख रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने लोगों के हालात कर दिए। मैं तो ये कहूँगा मेरे भाइयों, अगर इस बार चूक गए ना तो प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, सिर्फ कहने को तो प्रजातंत्र रहेगा पर प्रजातंत्र नाम का यहां कोई चीज नहीं रहेगी। इस देश में इस डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। इस बार अगर आपने बदलाव नहीं किया तो ये संविधान के साथ छेड़खानी करके संविधान को ऐसे तोड़ मरोड़ के ऐसा कर देंगे वो हमें समझ ही नहीं आएगा। हम समझेंगे तो ये हाँ है प्रजातंत्र, पर प्रजातंत्र होगा नहीं, इसलिए उससे बचना है तो इस बार सोच समझ के वोट कर देना, नहीं तो हालात देश के बहुत ही विकट स्थिति पैदा होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, थैंक यू।
अमर सत्य लाल बहादुर सिंह खास बातचीत बने होते अधिवक्ता हैं, बहुत ही सेंसियर और बहुत ही सुलझे हुए अधिवक्ता हैं और शैलजा के लीगल एडवाइजर पूरे प्रदेश के और काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं उनके साथ और पूरा काम धाम शैलजा जी का ये खुद देखते हैं बड़ी बारीकी से और खुद संभालते हैं हर चीज़ को बड़ी। और कहते हैं कि कल बहादुरगढ़ से ही बड़े बड़े काफिलों के साथ पूरा हरियाणा प्रदेश में मान सम्मान के साथ सिर सात तक लेके आया जाएगा और यहाँ से ये दावा इन्होंने पूरा कर दिया है लगभग 5 लाख वोटों से जीत का पूरा पूरा। लाल बहादुर सिंह जो अधिवक्ता हैं ये दावा कर रहे हैं कि जीतेगी जनता की पुकार है, अब की बार शैलजा 5 लाख वोटों से जीतेगी तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठेगा, किसके सर पे होगा ताज शिक्षा का, ये तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लाल बहादुर सिंह जी हमारे साथ सिंचर अधिवक्ता जी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।